नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज मैं रेड लिली के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं मेरी यूट्यूब चैनल अल्पेश गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हो रेड लिली के हाइब्रिड फूल। दोस्तों तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, काफ़ी सारी बातें हैं जो आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों रेड लिली की कटिंग, दोस्तों पुराने पत्ते नीचे से हम हटा देते हैं तो काफ़ी जल्दी नए पत्तों के साथ इसके फूल भी आ जाते हैं। दोस्तों देख सकते हो और इसकी खुशबू होती है दोस्तों व्हाइट लिली से 10 गुना तेज और ज़्यादा होती है। दोस्तों काफ़ी महकती है, दोस्तों पूरे एरिया को महकाती रहती है। दोस्तों मेरे कहने का बेसिक पॉइंट यही है कि पुराने पत्ते जैसे जैसे हम हटाते रहते हैं दोस्तों नए पत्तों के साथ फूल आते ही रहते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं। दोस्तों दोस्तों लिली के किसी भी तरह के पौधे हो, दोस्तों व्हाइट हो या इसी तरह के रेड हो, दोस्तों बारिश के सीजन में काफ़ी ज़्यादातर फूल रहते हैं। दोस्तों और इसमें कीट की प्रॉब्लम भी बारिश में ज़्यादा रहती है दोस्तों, क्योंकि ततैया की वजह से जो उनके लार्वा होते हैं वो कीट बन के फूलों को भी खा जाते हैं और पत्तों को भी खा जाते हैं। दोस्तों तो इसी के लिए आपको बारिश में जब भी चांस मिले आप कीटनाशक दवाई स्प्रे जरूर ही कर दें। दोस्तों बारिश में मैं इस हाइब्रिड लिली में कोई भी खाद नहीं डालता दोस्तों, क्योंकि बारिश के पानी में ही नाइट्रोजन इतना होता है कि वो काफ़ी अच्छी तरह से पौधा बढ़ता रहता है और फूल देता रहता है। दोस्तों कटिंग ही आप रेगुलर करते रहिए। दोस्तों जैसे आप पौधे को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने किस तरह से कटाई की और किस तरह से फूल निकलते रहते हैं। दोस्तों यही बेसिक पॉइंट है मेरा, और ये जो फूल है वो 3 दिन में खिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए काफ़ी बढ़ते हैं। और दोस्तों 3 दिन के बाद ये देख सकती हो छोटा सा था, काफ़ी ऊपर तक आ चुका है और जो कलियाँ थी वो भी दोस्तों सारी की सारी खिल चुकी है। अभी जो छोटी है वो तो बाकी है, क्योंकि जो पहले बड़ी होती है वो पहले खिल जाती है दोस्तों, तो वो देख सकते हो आप। दोस्तों आप इस लिली को गमले में भी लगा सकते हो, गमला थोड़ा बड़ा ले 10 इंच का, 10, 12 या 15 इंच का ले तो भी आपको दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों साल में एक बार आप सर्दियों के सीजन में केचुए की खाद, कंपोस्ट खाद या तो गोबर की खाद, तीनों में से कोई भी दे दें। और दोस्तों दवाई आप बारिश के सीजन में ही डालें दोस्तों, कोई भी कीटनाशक दवाई डालें। और दोस्तों लिली को मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए दोस्तों, पानी ज़्यादा दे आप। तो चले दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दोस्तों गार्डन से रिलेटेड वीडियो आप सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिक के।